जैसलमेर। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर 18 दिन से जारी ओरन बचाओ गौचर बचाओ संतों के आशीर्वाद से धरना प्रदर्शन जारी। पूर्व विधायक किसान नेता भाटी ने बताया कि सरकार बहरी है, सुन नहीं रही है। जैसलमेर की आजीविका का पालन खेती व पशु पर निर्भर है। आस्था के केंद्रों के साथ अन्याय हो रहा है। 26 तारीख को जिला कलेक्टर का हजारों की तादाद में घेराव करने का भी कहा गया। किसान नेता भाटी द्वारा कहा गया, कोई अप्रिय घटना घटती है तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को कड़े शब्दों में कहा गया कि आस्था के प्रतीक के साथ में ऐसा क्यों, जो जहाँ का होता है उसे वहीं गाड़ा जाता है। कड़े शब्दों में कहा गया कि अधिकारी आपके अंडर में है, वे तो गहलोत चला रहे हैं। पूर्व विधायक ने यह भी कहा, मेरे विधायक कार्यकाल में मुझे कोर्ट दिखाया गया था। जैसलमेर के मंत्री जब धरने पर बैठे थे तो मैंने तुरंत पहुंच समस्या का समाधान किया, वो दिन भूल गए। देखिए तनेराव सिंह की विशेष रिपोर्ट। भाई हम तो 18 दिनों से बैठे हैं, सरकार बहरी है, अभी तक सुन नहीं रही है। और कोई भी तरीके से सरकार का धर्म बनता है कि अभी जो समस्या है उसका पास में बैठ के सारा सोल्यूशन करें। मेन चीज़ है गऊ। जैसलमेर की जो आजीविका का साधन है वो पशुपालक और खेती पे निर्भर है। मेन स्रोत पशुपालक है, दूसरा खेती है। पशुओं के लिए गऊचर नाम उसमें है कि भाई आधा बीघा एक गाय के लिए गौचरा छोड़ना। हमने ये कहा कौन सा गांव में गौचरा छोड़ा हुआ आज दिन तक। और अब आगे कंपनी है, सारी की सारी जमीन कंपनियों को दे रहे हैं, नहीं तो हमारा गौचरा गायों के लिए छोड़ रहे हैं ना, हमारी ओरन छोड़ रहे हैं जो आस्था का केंद्र है हमारा। ओरन और गौचर नहीं छोड़ कर कंपनियों को जमीन देना कहाँ का न्याय है? किसी भी हालत में ये चीज़ें हम होने नहीं देंगे। काश्त काबल भूमि, हमारे भूमिहीन बैठे हैं, फार्म भरे हुए पड़े हैं, उसकी तरफ ध्यान किसी का ही नहीं है। लेकिन ये कहान कहा ही कंपनियों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि और इस सरकार ने हाथ मिला लिया है और जिले की जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी ने यही कहा कि सरकार नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और वो भी वापस आने के लिए तैयार है। हो सकता है 25-26 तारीख को आए हैं, 26 तारीख को गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे यहाँ आ रहे हैं। 26 तारीख का इस कलेक्टर को घेराव करेंगे हम, हजारों की तादाद में लोग आएंगे 25 तारीख को। उससे पहले निपटारा होता है तो ठीक है, अगर ये कलेक्टर हमें लिख के दे दें कि हाँ इतने दिन में हमें गौचरा दर्ज करके छोड़ूंगी, ओरण है उसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजूंगी, इसके जो जिला प्रशासन अपने हाथों से जो कर सकता है वो काम कर दे तो ठीक है, नहीं तो 26 तारीख का हमारा फाइनल है। हजारों की तादाद में आदमी आएंगे जिसकी पूरी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन की होगी। कोई अगर अपने घटना घट गई तो और मामला बिगड़ेगा, उससे बढ़िया है कि निपटा दे इसको तो ठीक है। समय छोड़ रही है, ये देखो ना परसों कौन सा वो सालासर मंदिर का तोरण द्वार गिरा दिया। अरे अशोक जी ये क्या कर रहा है? आस्था का प्रतीक है हमारा, इससे आपकी ये समझ लो इस नीति के कारण कांग्रेस का पूरे भारत में सुथड़ा साफ हो गया। अरे राजस्थान में है ये भी अशोक जी, 1.5 साल बाद में मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप 2 साल बाद में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी, राजस्थान से भी आपको सीख देंगे। अरे यहाँ तो यहाँ बढ़ता है यहाँ गाड़ते हैं ना अशोक जी, राजस्थान की बात है, केंद्र के ऊपर क्यों डाल रहा भाई? भाई अधिकारी तो आपके अंडर में है सारे, तो तोहफे तो अशोक गहलोत चला रहा। अभी एक मैं बताऊं, मेरे कार्यकाल में विधायक था उस समय की, मंत्री जी ने मुझे कोर्ट दिखाया है, मैं मंत्री जी मीडिया के माध्यम से आप तक बात पहुंचा रहा हूं, मेरी बात को सुनना। मैं विधायक था और आप बैठे थे कॉलोनाइजेशन ऑफिस के आगे तंबू लगा के, और 12 घंटे के अंदर अंदर मैं आया जयपुर से यहाँ और सीधा उस तंबू के पास गया हूँ, काश्तकारों के पास में गया हूँ,
मैं कहा क्या आपकी समस्या, मेरी सरकार है, मैं आज विधायक हूँ, आइए मैं दबताता हूँ आपकी। उस जगह सारी जिम्मेदारी मैंने मेरे पे ली और आंदोलन को मैंने खत्म किया था। वो दिन भूल गए, आज मंत्री बने कास्तकारों को भूल गए, मंत्री बने जिले की समस्या को भूल गए और आज कंपनियों से हाथ मिला के और हमारी जमीन बेच रहे हो। ये समय आने दो, कल आप पब्लिक के बीच में जाओगे। प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसमें ऐसा नहीं चलता।